अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मुदस्सिर अगेन। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आपसे, वो है हेल्दी फैट्स। मतलब फैट आपको वेट गेन करते हैं, फैट आपको ये प्रॉब्लम करते हैं, क्या फैट हेल्दी भी होते हैं, कौन कौन से हेल्दी फैट्स के हैं, अनहेल्दी फैट्स के हैं, गुड फैट के हैं, बैड फैट के हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोलेस्ट्रॉल लो है। बहुत सारी हमें मिथ्स मिलती हैं अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर, और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक टाइम पे कहा जाता था कि देसी घी बहुत बुरा है, मार्जिन बहुत अच्छा है, और फिर एक टाइम पे 5 साल के बाद स्टडीज़ आती हैं, वो कहती हैं कि देसी घी बहुत अच्छा है और बाकी सब कुछ गलत है। एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो मैं बताता हूँ कि हेल्दी फैट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कि हेल्दी फैट अगर आप डाइट के अंदर लेते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। कैसे? नंबर वन, उससे आपकी रिकवरी बहुत बेहतर होती है। रिकवरी से मतलब नींद अच्छी आती है, आपका स्टमक बहुत अच्छा होता है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं, आपकी स्किन बहुत फ्रेश लगती है। येस, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। अगर आपकी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स हैं तो बिलीव करें कि आपकी स्किन बहुत, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जैसे तुम्हारी स्किन क्यों बेहतर रहती है। आई टेक लाइक हेल्दी फैट्स ऑलमोस्ट मैं डाइट के अंदर डेली बेसिस पे ले रहा होता हूँ। सिंपल एंड ईजी, कोई आपको लेकर स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं और जो कि आप अपनी डाइट के अंदर ऐड अप करें तो आपको चीज़ें जो है वो बेहतर फील होंगी। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि जो हमारे हेल्दी फैट्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एग्जांपल है वो वाले हेल्दी फैट जो कि हमें फूड से मिलते हैं, प्रोसेस नहीं होते। मतलब नेचर के अंदर फूड जैसे ऑलिव्स हैं, मिक्स नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सारी फैमिलीज हैं, बीफ है, ये सारे के सारे हेल्दी फैट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बट अनहेल्दी फैट्स या वो वाले फैट जिसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली प्रोसेस फैट बोलते हैं, वो वाले फूड फैट ऑयल्स जो कि कंपनीज उसको प्रोसेस करती हैं, वो अंडरगो डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट चैनल के थ्रू होके बनते हैं। उनको हाई हीट दी जाती है, एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन जिसको बोलते हैं। आई मेक इट सिंपल ताकि आप समझ जाएं कि जितना ऑयल जो कि प्रोसेस होगा और आर्टिफिशियल उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड अप, सॉल्वेंट्स ऐड अप होंगे और जितने जितने डिफरेंट स्टेप से गुजर के आएगा वो उतना ज़्यादा प्रोसेस होगा। उसके अंदर जो प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रंट्स फैट के बेनिफिट्स हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि कंपनीज ने हमें मोस्टली इसको लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए रखना होता है। डिफरेंट सप्लाई चेन बड़ी होती है तो वो लोगों तक पहुंचता है। उसके अंदर आपके सोयाबीन, सनफ्लावर, आपके कुकिंग ऑयल, फ्राइड आइटम, जितनी भी सैलड ड्रेसिंग हमारी कंपनीज बनाती हैं, मायोनीज होगी, मार्जिन होगी, ये सारे के सारे मोस्टली प्रोसेस फैट के अंदर ईजिली अवेलेबल है, हम घरों के अंदर लेके आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ बता, हेल्दी फैट्स के बेनिफिट ये हैं कि हेल्दी फैट हेल्थ प्रमोटिंग है, और अनहेल्दी फैट जो प्रोसेस फैट्स हैं वो आपकी हेल्थ के अंदर न्यूट्रिएंट को कम करते हैं, लेकिन टेम्परेरी आपको एनर्जी देते हैं, बट लॉन्गर टर्म में आपकी हेल्थ प्रमोटिंग नहीं होते। हम बात करेंगे हेल्दी फैट्स की। हेल्दी फैट्स की अगेन आपने एग्जांपल, आपके जितने भी ऑलिव ऑयल है, नट्स हैं, वॉलनट, पिस्ता, बादाम, जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स हैं वो मोस्टली इसके अंदर आते हैं। देन आपके सीड्स हैं, फिश ऑयल है, हैम सीड हैं, चिया सीड्स हैं, ये सारे के सारे हमारे हेल्दी फैट की कैटेगरी में आते हैं। डेली बेसिस पे इनका डाइट के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम इनको नहीं लेते और हम फोकस करते हैं प्रोसेस अनहेल्दी फैट्स के ऊपर तो होता ही है कि हमारी बॉडी को रिकग्नाइज नहीं कर पाती। हमारी बॉडी डिज़ाइंड है, अल्लाह ताला ने जैसे बनाई है कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। जो फूड हम खाते हैं बॉडी उसको समझती है, जो कि मोस्टली नेचर के अंदर रहते हैं। जितना हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। यस, ये चीज़ें समझ आ गई। मोस्टली लोग कहते हैं कि जिस तरह ट्रांसफैट की फॉर्म है, जिस तरह बीफ, जो ट्रांसफैट है जो कि इंडस्ट्रियल फैट है जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ आपकी कुछ फूड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसकी मिनिमम क्वान्टिटी में लेना बहुत अच्छा आपके लिए। जैसे कि बीफ आप कभी खा सकते हैं, आप खा सकते हैं जिस तरह आपका बीफ के अंदर, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि यार हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है,
और बीफ आप ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। बीफ के अंदर ट्रांस फैट की कुछ क्वांटिटी होती है, वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन वही अगर आप इंडस्ट्री से बना हुआ लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपका ट्रांस फैट थोड़ा सा मौजूद होता है। स्टडीज़ ये कहती हैं मिनिमम क्वांटिटी में लेना बहुत अच्छा है, मॉडरेट क्वांटिटी में। हफ्ते में अगर 2-3 बार बीफ या डेयरी प्रोडक्ट्स आप खाते हैं कोई मसला नहीं, बट एट द सेम टाइम आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके अंदर ट्रांसफैट है, फ्राइड आइटम्स हैं, फ्राइज जिसमें आप बहुत डेली खाते हैं, आइसक्रीम्स हैं, सैलड ड्रेसिंग है, मायोनीज हैं, मार्जरीन है, आप अपनी कैंडीज खाते हैं, बेकरी आइटम्स खाते हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट यूज़ होता है। और इवन अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि 0% ट्रांस फैट, बहुत ज़्यादा आप जब लेबल पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा होता है हाइड्रोजिनेशन ट्रांस फैट, डिफरेंट नेम्स लिखे होते हैं, दैट मीन यू नीड टू बी ट्रिकी। 0% 0 ग्राम फैट भी लिखा हो तो इसका मतलब उसके अंदर 1 ग्राम फैट मौजूद है, तो ये कंपनी ट्रिगर करती हैं, इसको ट्रिक करती हैं। तो अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स की क्वांटिटी ऐड अप करें, स्किन बेहतर होगी, हॉर्मोन्स बेहतर होंगे, ब्रेन अच्छा काम करेगा, आप फ्रेश फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, आपकी रिकवरी बेहतर होगी, आपका मूड अच्छा होगा और आपकी बॉडी में मसल जो है वो भी इम्प्रूवमेंट आएगी। कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन जब हम नहीं लेते और हम कोशिश करते हैं कि हम डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी डाइट के अंदर सैलड्स में ऐड अप कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग पे ऐड अप कर सकते हैं, डेली 2-3 टाइम आलमंड्स, मिक्स नट्स, एवोकाडोज आप खा सकते हैं। अगर आप ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं, तो सिंपल आप पीनट बटर जो खुद भी बना सकते हैं, नेचुरल पीनट बटर बना सकते हैं, चिया सीड, फिश ऑयल, ओमेगा 3s, ये सारे के सारे आपकी डेली इनटेक के अंदर होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी मेडिसिन का खर्चा बच जाएगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो हेल्दी फैट्स खाते रहें, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करते रहें, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, आपके डॉक्टर के विजिट्स बच जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, डायबिटीज़ बेहतर हो जाएगी। हम क्यों नहीं हेल्थ को प्रमोट करते, क्यों इतना नहीं करते, हम समझते हैं कि शायद ये हम लूज़ कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। एनीवे, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तो हमें याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।